हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं सरिता, और आप सभी का नेवी सरिता विलाप पे वेलकम। देखिए, मैं घूमने आई हूँ फिर से। कितने खूबसूरत हसीन नज़ारे, देखो इधर, देखो इधर पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस ग्रीन ग्रीन, वो देखो आम का पेड़ है वहाँ पे, जाएंगे क्या जी? हाँ, आम तो नहीं करते रहो ना रिकॉर्डिंग, तो आओ ना मेरे साथ। आओ ना, तभी तो। और ये देखिए, ये वही तालाब है जिसमें मैं मछली पकड़ी थी, और वो वाला मछली मैं अपने घर की टंकी में डाली थी। और वो वाला ना 2 बार से हो गया उसको प्रेग्नेंट होते, और बहुत अच्छे से उसकी तो वो बढ़ते जा रही है मेरी मछलियाँ, लेकिन उसकी लंबाई और वजन नहीं भर पा रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप सबको भी बहुत मज़ा आने वाली है। और ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिए, और आप मेरे साथ आइए जी। जामुन का पेड़ है जिसपे मैं बहुत सारा जामुन तोड़ के ले गई थी मेरे मिठुओं के लिए, और बहुत छोटा 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 वाला वैरायटी का जामुन है। और आप सब जामुन का फूल कभी देखे हो? मैं तो कभी नहीं देखी थी। और आप सब भी, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो आज मैं दिखा रही हूँ आप सबको। आइए मेरे साथ भी, आज ही देखी। मैं इतना दिन से मैं ढूंढ रही थी इसका फ्लावर्स कैसे होता है करके, और आज देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं देखी थी कुछ फ्लावर्स, जिसे मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इधर दिखाइए जी पास से। ये देखिए, ये है कितना छोटा छोटा इसका फ्लावर्स। और उधर देखिए, जो दिख रहा है ना ब्राउन ब्राउन, ये उसकी फ्लावर्स है। देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वाइट वाइट जिसका देख रहे हो ना आप लोग, हाँ ये उसकी फ्लावर्स हैं। और अभी तो इसमें फलने में टाइम है। इसमें से ना कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे हैं जामुन, बहुत ही छोटे छोटे जामुन फला हुआ है उसमें। और अभी खूब सारे इसमें फ्लावर्स हैं, पूरे पेड़ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। नीचे पे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, इस साइड और ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आओ जी, आप देखो मेरे हस्बैंड को वीडियो बनाने में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं ही मर मर के बनाती हूँ अकेले और ये मजा लेते रहते हैं। देखो ना मेरे हस्बैंड कितने प्यारे लग रहे हैं आते हुए। ये वीडियो आप सब लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाली है। मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ वो सब दिखाऊंगी। और ये वाले पेड़ पे देखो कितने सारे फ्लावर्स, वाइट वाइट सा, दूर से नहीं कैप्चर हो पा रहा है बट बहुत सारा खिला है उसमें। मुझे बहुत इधर का नज़ारा ना, ये देखो आम का पेड़, लेकिन इसमें आम नहीं फला है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, किस चीज़ का है? तो पहाड़ देखो, जिम करके दिखाओ। ये हमारा मैनपुर का पहाड़, और इधर कितना खूबसूरत वादी, और बहुत अंदर पे है, पता है? देखो इधर का बादल, अंदर पे है आम का पेड़, बाहर में तो है ही नहीं। देखिए ये कौन सा पेड़ है, और इस पे कितने सारे फ्लावर्स हैं, वाइट वाइट, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ऐसी जंगल में इधर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऊंचा पहाड़ देखो, अकेले रहने से उसे देखोगे तो डर लगता है, रे बाबा। और इधर का रोड इतना सुनसान रहता है, इधर बहुत सारा बंदर भी रहता है, तो नहीं जाएंगे उधर। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, और मेरे हस्बैंड देखिए। हेलो बोलो जी। ये बस ना ये बस हाय हेलो बस बोलने आते हैं मेरे वीडियो पे, इनको बात तो करना नहीं। सहयोग तो देता हूँ भाई, कौन लाता है, मैं ही तो लेके आता हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए। हाँ, और बोलो बोलो, मुँह तो खुला और बोलो ना कुछ। ये भाटीगढ़ की अनुपम छटा है। हाँ, और जरूर आप लोग सभी मेरे नेवी सबको साधारण आमंत्रण दे रहे हैं, तो सबको आना है मैनपुर घूम लेना, कितना खूबसूरत नज़ारा रहता है इधर। पता है गर्मी का दिन है, ये अभी चल रहा है हमारा,
क्या कहाँ? अरे मेरे को डरा दिए थे हम, तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे भुलवा ही दिया यार। अब मैं क्या बोल रही थी, अब याद दिलाओ, मैं क्या बोल रही थी, जल्दी याद दिलाओ। मैं ना ये आती हूँ इधर। हाँ हाँ याद आया, थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो मैं इधर आती हूँ ना, तो इधर अभी ना गर्मी का मौसम है, पता है अभी चल रहा है मार्च, ए सॉरी अभी गर्मी का मौसम है और अभी चल रहा है अप्रैल का, इतना गर्मी का मौसम है फिर भी इधर का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यही आप रायपुर में रहोगे तो इतना गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। हाँ पसीने से आप पूरा भीग सजाओगे। और इधर का मौसम कितना सुहाना, कितना प्यारा है। आप कैमरा पकड़ो तो जी, आप अपना भी लेना ना, आप अपना भी लाओ ना जी। और ये देखिए ये रोड आप सबको कैसी लग रही है ना, बहुत खूबसूरत। और इधर का रोड ऐसी चलाता है हमेशा मस्त बना बना, बहुत अच्छा लगता है पता है इधर का रोड। तो मैं यही बोल रही थी कि गर्मी का मौसम है फिर भी इधर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, मौसम बहुत अच्छा है। और इधर और जब भी आओ ना तो एकदम मस्त लगता है, इतना अच्छा नेचर। और मैं ना खास करके मैं नेचर से जुड़े हुए रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेड़ पौधा लगाना और पौधों को बहुत प्यार करना, पौधे लगाना उनकी केयर करना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरा किस्मत देखो, मैं इनसे शादी की, ये आप भी देखो ना जी। इधर देख, हाँ ऐसे पकड़ो इससे। तो इधर का मौसम इतना अच्छा लगता है ना, और मेरी किस्मत देखो, मैं इनसे शादी की और इतना अच्छा मस्त, क्या बोलते हैं, प्रदूषण नहीं रहता बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो क्या बोलूँ बताओ, पकड़ो इसको। हस्बैंड का हाथ इतना दुख गया देखो, ओ गॉड बहुत मेहनत वाली काम की है। ओ देखो हाथी आ रही है ये देखो कैसे डर गए, इससे ज्यादा तो मैं ही डर गई थी। वो देखो उधर से हाथी आ जाएगा तो क्या करेंगे, उधर से इधर ए मैं ही सबसे ज्यादा डर रहा हूँ ओ मल्लका है। चलो फिर मैं बैठ रही हूँ बाइक पे, अब चलते हैं कहीं और। ये तो हमारी मस्ती हो गई, बहुत अच्छा लगा। शाम का टाइम है अभी, कितना अच्छा हवा है, चलिए क्या बोले, सुकून से लग रहा है, हवा ठंडा ठंडा। आम का पेड़ है लेकिन इस पे फल नहीं है। देखो आमा बगीचा में सरिता आम बीन रही है, कितना मिला जी? से गिरा था जी, ये वही जगह है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लकड़ी ले लिए हैं, उसी से आम गिरा रहे हैं, ये देखो है ना, बहुत पास पास में फले हैं। चलो जी, ये देखिए मंदिर कितने अच्छे लग रहे हैं, शिव जी का मंदिर है, अगर खुला होगा तो मैं दिखाऊंगी आप सबको। ये वही तालाब है जहाँ मैं गिरते गिरते बची, और जब मैं रास्ते में थी तो दो बच्चे आ रहे थे तो मैं उनसे आम मांगी, तो देखो इतना बड़ा वाला आम दिए। और ये वाला आम का पेड़ कहाँ पास है करके पूछे तो वो बताए खेत अंदर है, बहुत दूर है तो हम तो नहीं जा सकते, तो वो बच्चे तोड़ के लाए हैं, देखो कितना बड़ा। गाँव के लोग कितने अच्छे होते हैं यार, सच में दे देते हैं। और पता है मैं ऐसे रायपुर जा रही थी, वो वाला व्लॉग आप लोग देखे होंगे जहाँ पे हम लोग जवारा विसर्जन के पहले वाला एक व्लॉग बनाई थी, उसमें मैं रायपुर गई थी। तो रायपुर के पास ऐसी बहुत, रायपुर में ना एक जने के घर के पास बहुत बड़ा आम था और इतना पास पास में फला था, और उसे हम लोग तोड़ने के लिए उतरे थे लेकिन वहाँ तोड़ने नहीं दिए क्योंकि वो शहर है तो वहाँ के लोग उतने अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे होते हैं लेकिन ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं दे देते, लेकिन गाँव के लोग पहले पहले से ना मांगो फिर भी दे देते हैं। देखो बच्चे कितने अच्छे थे कि मुझे ये दे दिए, पकड़ो जी। तो मैं अभी पैर धो रही हूँ, मंदिर खुला होगा तो मैं मंदिर जाऊंगी, शायद खुला होगा जी।
ये देखो इसका जड़ उखड़ आ गया है, अगर हम इसको लाएंगे ना जलकुंभी नहीं इसका क्या बोलते हैं कमल का फूल का जी। ये देखिए यहाँ कमल का फूल इतना सारा उधर खिला है, दिख रहा है सबको, लेकिन पास पास में एक भी नहीं। देखो कितना मछली है और अच्छी छोटा छोटा है। देखो ना इधर दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है तो दिख रही है, देखिए वैसे पकड़े रहे। इसको ऐसे खींचेंगे तो आ जाएगा ये वाला कमल का फूल, बहुत बड़ा बड़ा साइज का है और वो खोखमा भी फैला हुआ है ना, और मछली मस्त है। चलो तो मंदिर जाते हैं, आओ कैमरा को अपने साइड से पकड़ के चलो तो देख पाऊंगा। तो ये मेरे हस्बैंड जी बजरंगबली के पास जा रहे हैं, उनको प्रणाम करने, आप सब भी प्रणाम कर लीजिए और आप सब पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, बस मेरी यही कामना है, आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहो। और जो जो ये मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान इसको सदा सलामत रखे, उनकी हमेशा रक्षा करे और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे। बोलो ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से देखिए मैं पूजा कर रही हूँ शंकर भगवान। अब मैं आई हूँ हनुमान मंदिर, ये है हनुमान मंदिर, और इसके बाद मैं जाऊँगी शिव मंदिर। ये हमारा नंदी महाराज जी है, और ये देखिए शिव मंदिर तो बंद था तो मैं बाहर से ही प्रणाम कर ली, और बहुत अच्छा है ये वाला शिवलिंग का, बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं किसी दिन आप सबको बताऊंगी, बहुत अच्छा वाला इसका कहानी है। तो देखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो देखिए मैं अब अंदर जा रही हूँ पास से देखने के लिए अपनी शिव जी को, इसलिए यहाँ ताला लगा और अंदर बहुत अंधेरा था तो मैं शिवलिंग का वीडियो नहीं ले पाई। नेक्स्ट बार कभी जाऊंगी तो पक्का लूंगी।